Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रतिशोध की आग यूपी में भी पहुंच गई है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को झुग्गी झोपड़ियों पर धावा बोल दिया। यहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा। उनकी झोपड़ियां तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दी गई, सामान में आग लगा दी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र और पिंकी चौधरी का कहना है कि कवि नगर क्षेत्र के एक मैदान में 15 झुग्गी झोपड़ियां थी। हमें काफी समय से इनपुट मिल रहा था कि इनमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। हमने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार बंद हो। अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश में अत्याचार जारी रहा। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने शनिवार दोपहर को कवीनगर मैदान पर पहुंचकर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ते हुए वहां रहने वाले लोगों को खदेड़ दिया। पहले देखिए हिंदू रक्षा दल द्वारा अपनाए गए रुद्र रूप को। मुल्ला भाग जा गड़वे, खड़ो इसके बाद यह दावा किया गया। जैसा दक्ष चौधरी ने और हिंदुत्ववादी जितने योद्धाओं ने बांग्लादेशियों को मार करके भगाने का जो कार्य किया है वो अपने अंदर बहुत अद्भुत कार्य है, क्योंकि आप ये देखिए बांग्लादेश में सभी हिंदू भाइयों को चिन्हित कर करके मारा जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी जो घुसपैठिए जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे यहाँ लूटपाट कर रहे हैं और यहाँ जो भी गलत काम है ये बांग्लादेशी यहाँ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भारत के सभी लोग मौन हैं और अपने हिंदुत्ववादी अपने भाइयों के लिए कोई नहीं बोल रहा है जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। मैं दक्ष चौधरी का और उसकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे बालक हैं और इनके लिए अगर पुलिस ने कोई भी गलत कार्रवाई इनके लिए की तो पुलिस मुख्यालय पर पुरजोर ताकत के साथ मैं धरना दूंगा। मैं मेरे बालकों पर गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो लीगल बनता है भाई मारपीट का 151 वगैरह जो भी लफ बनती है हल्की धाराओं में मुकदमा कायम करके और इसको समाप्त कर देना चाहिए। पुलिस को यह भी देखना चाहिए कि आगे यहाँ इस भारत में भी क्या होगा जब वो बांग्लादेश में किसी भी हिंदू को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ किसे छोड़ेंगे। और मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ दिल्ली पुलिस को, आपको मैं बता रहा हूँ पुलिस दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर इतनी ताकत के साथ प्रदर्शन करूंगा आप सोच नहीं पाओगे। मेरे बालकों पर गलत मुकदमा और गलत फंसाने की हिमाकत ये लोग ना करें। दक्ष चौधरी और उसकी पूरी टीम मेरे बालक हैं, मैं उनके साथ ताकत के साथ खड़ा हूँ। जय श्री राम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।